अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पीटीबी मैथ्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ मैट्रिसेस, लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब इसमें जो एडिशन है वो मैट्रिक्स पे ऑपरेशन है, और कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव क्या है सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि जगह बदलना। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो ऑपरेशन वो तभी होल्ड करता है जब हमारे पास इक्वेशंस हो। इक्वेशन पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। और इक्वेशन क्या होती है? जिसमें इक्वालिटी एग्जिस्ट करती हो। जैसे कि मेरे पास ये एक इक्वेशन है, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव का मतलब है जगह बदलना। तो ये इक्वेशन के ऑर्डर, यानी एक चीज़ अगर मेरे पास पहले लिख दी गई है, अगर मैं इक्वालिटी के राइट साइड पे उसको बाद में भी लिख दूँगी तो उसके रिज़ल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑपरेशन मैंने किया है ए प्लस बी, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ए को फर्स्ट पे लिखा है और मैट्रिक्स बी को सेकंड पे लिखा है। अब इन दोनों को मैं ऐड करूँगी और इक्वालिटी की राइट साइड पे, अगर मैंने यहाँ पे पहले बी मैट्रिक्स को राइट किया है फिर मैंने ए मैट्रिक्स को राइट किया है, तो ऑर्डर ऑफ दीज मैट्रिसेस आर चेंज। पहले ए मैट्रिक्स है, बाद में फर्स्ट पे बी मैट्रिक्स है, तो इससे जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो अफेक्ट नहीं होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कंसर्न करती है ऑर्डर ऑफ सर्टन मैथमेटिकल ऑपरेशन। और कोई भी ऑपरेशन जो होगा वो हमारे पास कम्यूटेटिव तब होगा इफ़ द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट अफेक्टेड द रिज़ल्ट ऑफ द ऑपरेशंस। अब हम इसको आगे देखते हैं। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। अब इसमें ऑपरेशन हमारा है एडिशन का, और कम्यूटेटिव लॉ उस पर हमने देखना है कि वो कैसे सेटिस्फाई करता है। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर की हैं मैट्रिसेस, देन ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। चाहे मैं मैट्रिक्स ए को पहले बी में ऐड कर लूँ, चाहे मैं बी को पहले ए में ऐड कर लूँ, तो इससे मेरे रिज़ल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। अब मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज़ ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड मैट्रिक्स ए इज़ ऑफ ऑर्डर 3x3, ऑल्सो मैट्रिक्स बी इज़ ऑफ ऑर्डर 3x3। अब इन दोनों को मैंने ऐड करना है। इन दोनों को एडिशन का, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का प्रीवियस लेक्चर में आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स की मैंने एडिशन करनी है। इन दोनों मैट्रिक्स को एडिशन करने के बाद मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है वो ये आई है। अब नेक्स्ट, पहले यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स ए को फर्स्ट पर लिखा था और मैट्रिक्स बी को सेकेंड पर लिखा था। अब जो राइट साइड है मेरी इक्वेशन की, इस इक्वेशन की, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड बी प्लस ए, अब पहले मैंने बी मैट्रिक्स को राइट करना है और उसमें ऐड करना है मैट्रिक्स ए को, तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस हैं ए प्लस बी की और बी प्लस ए की, दो बोथ दीज मैट्रिसेस आर सेम, और बोथ दीज मैट्रिसेस हैव सेम एंट्रीज, और बोथ दीज मैट्रिसेस आर इक्वल। देख, इसके भी फर्स्ट रो 5 1 5 5 1 5, 4 10 2 4 10 2, 6 3 -1 6 3 -1, दस द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज वेरीफाइड, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ दैट इक्वेशन। यानी अगर हम किसी इक्वेशन का ऑर्डर चेंज कर दें तो उसके रिज़ल्ट पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। जगह तब्दील कर दें, ऑर्डर का मतलब है यानी जगह तब्दील कर दें। दो मैट्रिसेस हैं मेरे पास, मैं चाहे उसको ए प्लस बी लिख लूँ या बी प्लस ए लिख के उसको ऐड कर लूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट सेम होंगे। जगह तब्दील कर दी ना मैंने मैट्रिसेस की, तब भी मेरे पास रिज़ल्ट सेम रहेगा। तो दिस लॉ इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, क्योंकि मैंने ऑपरेशन जो किया है वो एडिशन का इस पर परफॉर्म किया है। आगे मेरे पास है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एसोसिएट का मतलब होता है मुंसलिक होना,
और जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो कंसर्न करती है ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन ऑपरेशन। किसी भी ऑपरेशन में वो एलिमेंट्स की ग्रुपिंग से कंसर्न करती है और इसके अलावा उसके रिजल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करती। जैसे है कि इफ़ ए बी एंड सी, इसमें मेरे पास अब तीन मैट्रिसेस आ जाएंगी, आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। देन अब आप देख सकते हैं, पहले मैंने ए प्लस बी पे ब्रैकेट लगाई है, प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरी ग्रुपिंग है या मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया है वो ए प्लस बी को किया है, और राइट साइड पे मैंने किया है बी प्लस सी को। इससे मेरे रिजल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस लॉ इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, और मैं क्योंकि मैट्रिसेस को ऐड कर रही हूँ तो ये मेरा लॉ कहलाएगा एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। अब हम इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। लेट ए बी सी, मेरे पास ये तीन मैट्रिसेस हैं। अब मैंने इन पे एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करवाना है। एसोसिएटिव लॉ तभी होल्ड करेगा, तभी इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई करेगी एसोसिएटिव लॉ की, जब बोथ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अब मेरी देखें ए प्लस बी प्लस सी, तो जिन पे एसोसिएटिव लॉ में जिन पे ब्रैकेट्स होती है हम सबसे पहले वो वाला अमल करते हैं। अब ए प्लस बी है तो सबसे पहले मैं ए प्लस मैट्रिक्स ए को बी में ऐड करूँगी या बी को ए में ऐड करूँगी, उसके बाद जो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसको मैं सी मैट्रिक्स में ऐड करूँगी। अब आप देख सकते हैं ए प्लस बी, इस पर ब्रैकेट है, प्लस सी, मैंने राइट किया ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी मेरी मैट्रिक्स एज इट इज़ है। अब मैंने इन दोनों पे एडिशन का ऑपरेशन कर देना है, इन दोनों की एडिशन कर देनी है। उसके बाद इनकी एडिशन के बाद ये देखें सी यहाँ पे मैट्रिक्स वैसे की वैसे ही राइट करेंगे। ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है वो मेरे पास ये है, ए प्लस बी की ए प्लस बी मैट्रिसेस को ऐड करने से जो मेरे पास एक मैट्रिक्स आई है वो ये मैट्रिक्स है, और ये मेरी सी मैट्रिक्स जो पीछे से वैसे ही चलती आ रही है। अब मैंने इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को जो कि ए प्लस बी मैट्रिक्स का रिजल्ट है सी मैट्रिक्स में ऐड करना है, तो मेरे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी। आप देख सकते हैं ये मेरी जो है रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ए प्लस बी इंटू प्लस सी, ये मेरी थी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं अपनी सॉल्व करूँगी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है जो या जो ग्रुपिंग है वो बी प्लस सी की है, तो सबसे पहले मैं ए मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिखूँगी और बी प्लस सी को, बी और सी को ऐड करूँगी। जब मैंने बी और सी को ऐड कर लिया, मेरी मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे मैंने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया है मैट्रिसेस पे, तो उसके बाद अब मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है और यहाँ पे जो मेरी मैट्रिक्स है ये बी प्लस सी का रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। अब मैंने ए प्लस बी प्लस सी इन दोनों को ऐड कर देना है, तो मेरे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए प्लस बी इंटू प्लस सी और मैट्रिक्स ए प्लस इंटू बी प्लस सी का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मेरे पास आई हैं वो दोनों सेम हैं और इक्वल हैं, ना उनका ऑर्डर चेंज हुआ है ना उनकी एंट्रीज चेंज हुई हैं। तो ये मेरा एसोसिएटिव लॉ है जिसने मेरे रिजल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं किया, इसका कंसर्न सिर्फ ऑपरेशन से ही है और ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इक्वेशन। दस द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इज़ वेरीफाइड। अब मेरा जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है वो वेरीफाई हो चुका है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह आप इसे करेंगे तो आपसे ये इजीली